हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपके अपने चैनल नीतूज होम वर्ल्ड में। तो आज मैं आपके लिए बिना तंदूर बिना अवन के बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट सी पनीर टिक्के की रेसिपी को लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही इजीली घर में बन जाता है, तो आपको बाहर रेस्टोरेंट जाकर खाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है सब्जियाँ, जिसमें मैंने लिया है एक डाइस किए हुए कैप्सिकम, ये बड़े साइज का मैंने लिया था कैप्सिकम, एक टमाटर लिया है और प्याज लिया है, इसको भी मैंने डाइस कर लिया है। क्यूब्स में ही मैंने कट किए हैं पनीर को, तो पानी नहीं होना चाहिए पनीर में, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसको अब एक साइड पे रखते हैं। अब मैं यहाँ पर बेसन को रोस्ट कर रही हूँ, लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लिया है, तो आगे की रेसिपी में देखेंगे कि कितने टेबलस्पून हमें यूज़ होंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तो सरसों का तेल से बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स बहुत ही अच्छे से करना है। उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट कलर आया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच जीरा का पाउडर, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था, 2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चम्मच के लगभग में मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ जो हमने भून कर रखा था, बाइंड अप में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर मैं डाल रही हूँ, और 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर मैंने इसमें डाला है, तो ये हल्का दरदरा है। 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को डालेंगे, आप चाहें तो इसमें धनिया के पत्ता को भी ऐड कर सकते हैं अगर कसूरी मेथी का पत्ता नहीं है तो। अब इसे बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है सारे मसाले को। अगर आपके पास अमचूर पाउडर घर में नहीं अवेलेबल हो तो आप चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1/2 कप मैंने हंकर्ड लिया है, हंकर्ड को आप घर में भी बना सकते हैं। दही को एक कॉटन क्लॉथ पर डाल दें और उसका पानी अच्छे से निकल जाने दें, और वो जब दही जो बचेगा उसे हंकर्ड कहते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। पानी इसमें नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और साथ ही साथ पनीर के क्यूब्स को भी हम डालकर बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। इसे हम अभी फुल्ली कोट नहीं करेंगे क्योंकि अभी और भी इंग्रेडिएंट्स को अभी हमें डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ अजवाइन, 1/4 चम्मच अजवाइन को लेंगे और इस तरीके से हाथों में रब करते हुए हम इसमें डाल देंगे, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। 1 छोटी चम्मच लेमन जूस भी डाल देंगे, और इसको अब मैं हाथ से मिक्स कर दिखाती हूँ। अपने हाथों से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से सब्जियों को उठाएं, पनीर को उठाएं, और अपने दही वाले मिक्सचर में इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथ को यूज़ करना है ताकि पनीर टूटे ना। अब इसे ढक कर हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 15 मिनट हो चुकी है, तो फ्रिज से निकालने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब ये देखिए मैंने स्क्यूवर्स लिया है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आजकल मार्केट में स्टील वाले स्क्यूवर्स भी आ रहे हैं, बट ये मुझे पर्सनली पसंद आती है क्योंकि ये यूज एंड थ्रो होता है और काफ़ी ईजिली इसमें हम मटेरियल्स को इन कर पाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले शिमला मिर्च को असेंबल किया है, अनियन है, पनीर है, टोमेटो है। तो सब्जियां आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे प्याज पहले डालें या फिर टमाटर डालें, तो चॉइस डिपेंड आप पर करती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और फ्लेवरफुल लग रहा है। तो आइए अब हम बिना अवन बिना तंदूर के इसको तवे पे ही कुक करेंगे। उसके लिए पहले से मैंने तवा को गर्म कर रखा है, उसमें मैंने 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है और 1 बड़ा चम्मच मक्खन को डालकर अच्छे से चारों तरफ तवा पर फैला देंगे। अब एक एक कर पनीर टिक्के को तवे पर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने लो रखा है, बट इसे हम सेकेंगे
मीडियम टू हाई फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से ये कुक हो जाता है। तो ये देखिए बिना तंदूर बिना ओवन के बहुत ही अच्छे से पनीर टिक्का घर पर इजीली बनकर रेडी हो जाता है। तो बस इसे रोटेट करते जाएं और चारों तरफ इवनली अच्छे से इसे कुक कर लेना है ताकि जो पनीर है सब्जियां हैं ये सारे सॉफ्ट हो जाएं और एक क्रंची सा फ्लेवर आ जाए पनीर टिक्के में। ये देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो रहा है, तो मैं आपको जूम कर दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये लाल हो चुका है। तो इसी तरीके से चारों तरफ अच्छे से इसको रोटेट करते जाएंगे और अच्छे से पनीर टिक्के को चारों तरफ से कुक कर लेंगे। तो पनीर टिक्का तवा पे बनकर रेडी है। अब इसको आप सर्विंग प्लेट में सर्व करें, अनियन रिंग्स ग्रीन चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इस स्क्यूअर्स में से पनीर टिक्के के सारे पीसेस को मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि हमें खाने में बहुत ही आसानी हो। तो इस तरीके से आप प्लेट में पनीर टिक्का को सर्व करें तो ये स्टार्टर बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, वाओ। और भी चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे चाट मसाला को स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो आप इस पर चिली फ्लेक्स को भी स्प्रिंकल कर खा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट ट्रिक को दिखाऊंगी सेम तवा पर। अब हम सारे अपने पनीर टिक्के के मसाले को इस तरीके से तवा पर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास स्क्यूअर्स नहीं है तो ये आप दूसरे ट्रिक को अपना सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से आप उलट पलट कर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेक लें तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, क्रंचीनेस भी हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर आपके पास कोयला अवेलेबल हो तो कोयला को हीट कर लें और उस पर एक चम्मच घी डालकर स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से आग के ऊपर इसको रोस्ट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। आई होप मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरीके से अपने घर पर बनाएं, सभी को खिलाएं और वाह वाही पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।